हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माइसर प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाता है डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको, मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जाकर के बस सब्सक्राइब कर लेना और एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो इससे होगा क्या कि जब भी हिंदी मीडियम के चैनल पे इतनी ही कंसिस्टेंसी के साथ कोई रिकॉर्डिंग अपलोड होती है, चाहे कोई लाइव क्लास अपलोड होती है, तो उसके नोटिफिकेशन, उसकी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कॉन्टेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड है सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, जाकर के चेकआउट कर लेना, वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर, और इसका थोड़ा सा लंबा टॉपिक देखने में लग रहा है। कई लोगों को लग रहा होगा कि सर ये हम पहले पढ़ चुके हैं क्या? लेकिन बेटा वो था सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम, और यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल फोर्स। क्या लिखा हुआ है? द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, फॉर अ वेरिएबल फोर्स। तो भाई अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे काम करेगा, क्या कुछ चेंजेस आएंगे, अगर चेंजेस आएंगे तो कैसे इंप्लीमेंट करना है, उन सब चीजों को हम देखने वाले हैं विद प्रॉपर डेरिवेशन। तो चलें जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। तो अपने पास ये रहा इसका बेसिक आइडिया। हमेशा आपको पढ़ाने का मेरा लेक्चर का तरीका पता ही है कि जब भी अपन लेक्चर स्टार्ट करेंगे ना, तो सबसे पहले शुरुआत होती है विद बेसिक आइडिया, इस टॉपिक से रिलेटेड क्या बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो कैसे मैं आपको बेसिक आइडिया आपके दिमाग में एकदम सेट करवाऊंगा। ठीक है, देखो भाई हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम जानते हैं। ठीक है, व्हाट वाज वर्क एनर्जी थ्योरम? तो सर वर्क एनर्जी थ्योरम ये होता था कि अगर कभी भी किसी भी सिस्टम पे कुछ वर्क किया गया है, मैंने क्या बोला, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था कि अगर कभी भी किसी भी सिस्टम पे कुछ वर्क किया गया है तो उस सिस्टम की, उस बॉडी की एनर्जी चेंज होती थी। और वर्क एनर्जी थ्योरम वाज बेसिकली डीलिंग विद काइनेटिक एनर्जी। तो अगर इस पूरे स्टेटमेंट को फ्रेम किया जाए तो ये ऐसा था कि अगर आप किसी भी सिस्टम पे कुछ वर्क करते हैं तो उस सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो जाती है। और सबसे मजेदार चीज क्या थी कि कितना चेंज आएगा सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में, सबसे मजेदार चीज क्या थी कि कितना चेंज आएगा सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में, दैट वाज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। दैट वाज इवेंचुअली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इट इज एज सिंपल एज दैट। बताएं यहां तक का फंडा आपके दिमाग में पूरा क्लियर हो गया? तो अगर हम चलें वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से, तो यह कहा गया था कि द अमाउंट ऑफ चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, क्या कहा गया था, द अमाउंट ऑफ चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी is exactly equal to the amount of work done on the body। ठीक है, तो is exactly equal to the amount of work done on the body। इट इज एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से आपको ये वाला फंडा अच्छे से बेहतरीन तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं तो बोलूंगा कि भाई इसको तुम कॉपी में नोट करते हुए चलो तब आएगा असली मजा। हो गया? ओके सर, तो सिस्टम पे आप जो वर्क करेंगे दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलना। यहां पे ना हम लोग कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते थे यार, यहां पे हम लोग कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते थे। अगर मैं आप लोग को बताऊं उसका पूरा प्रोसीजर तो आपको याद आ भी गया होगा कि हाँ भैया जब वर्क अपन निकालते थे तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता था, सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद अगर अपन चाहे तो फोर्स को अपन खोल देते थे, सर मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये अपने पास क्या हो गया था, डीएस हो चुका था। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करता
इसको खोला था तो ये हो गया था डीवी बाई डी टी, आया समझ? और बगल में क्या था? डीएस था। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया था? एम को अपन ने रख दिया था, डीवी को अपन ने रख दिया था, और यहाँ पे डी टी को अपन ने नीचे सरका दिया, डी टी को अपन ने डीएस के नीचे सरका दिया, जहां पे डीएस बाई डी टी क्या हो गया था? वेलोसिटी हो गया था। तो एम वेलोसिटी और फिर उसके बाद क्या हो गया था? डीवी हो गया था। और फिर किया गया था इसको इंटीग्रेट, और जैसे इसको इंटीग्रेट किया गया था तो फिर ये अपने पास डब्ल्यू बन गया था। उसके बाद एम को तो बिल्कुल छेड़ना मत, और जब v को करेंगे इंटीग्रेट तो वो बन गया था v स्क्वायर अपॉन 2, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। अच्छा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट w, तो यहां पे बच गया w, ठीक है। लेकिन यहां पे जरूरी नहीं है ना कि यार जब बॉडी की शुरुआत हो रही हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि जब बॉडी की शुरुआत हो रही हो तो बॉडी रेस्ट पे हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। मान लें अपन कहीं पे खड़े, अपन को स्कूटी की जाने की आवाज आई, ठीक है, अगर अपन पलटेंगे तो जब वो स्कूटी जा रही है तो क्या वो रुकी हुई थी तुम्हारे लिए? नहीं भाई, क्यों रुकेंगी तुम्हारे लिए, है ना। तो वो क्या है कि इस बात को क्या है दिमाग में डाल लो कि कोई तुम्हारे रुकता नहीं है। तो यहां से क्या है कि वो गाड़ी निकल रही थी, जब तुमने पहली बार देखा तो क्या गाड़ी रुकी हुई थी? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं, गाड़ी जा रही थी। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 तो नहीं होगी। तो भाई अगर मैं यहां पे करूंगा तो ये देख अपर लिमिट क्या हो जाएगा, v, तो ये v स्क्वायर बाय 2 माइनस, अब मैंने एग्जांपल क्यों दिया ये वाला, क्योंकि भाई अगर वो गाड़ी रुकी होती इनिशियली तो लोअर लिमिट क्या आ रहा होता? 0 आ रहा होता, ठीक है। तो mv स्क्वायर बाय 2 पे कहानी को मैं समाप्त कर देता, लेकिन मैंने बोला कि नहीं यार, जब पहली बार देखा था तो कुछ तो स्पीड थी गाड़ी में, है ना। अब वो हमको देख करके स्पीड एक्स्ट्रा आ गई थी या वो पहले से ही लेट हो रही थी वो नहीं पता, लेकिन क्या है कि इनिशियली स्पीड कुछ ना कुछ तो थी। तो अपने पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू एमवी स्क्वायर बाय 2 माइनस एमयू स्क्वायर बाय 2। नाउ जस्ट गो विद द बेसिक लॉजिक, एकदम आसान सा लेक्चर है ये, कुछ भी इसके अंदर इतना बड़ा मसला नहीं होने वाला है। तो यहां पे क्या हो चुका है, ये वाला फंडा अपने को पूरा क्लियर हो गया। अब जरा एक छोटी सी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे गौर करना। एवरीबडी नोज कि सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक नाजुक सा पॉइंट है कि अगर वेलोसिटी फाइनल होगी तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगी, अगर वेलोसिटी इनिशियल होगी तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको देखना, इसको देख, ये एम वी स्क्वायर बाई 2 तो मतलब ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2 तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। चमका बताओ भाई, चमका? यस सर, चमक गया होगा, चमक गया। तो वर्क इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, इट इज एज सिंपल एज दैट। और इसी को तो कहा जाता है चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। भाई जमाने भर में किसी भी चीज में अगर तुम्हें चेंज निकालना है उसका तरीका क्या होता है, सर फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर दीजिएगा, आ जाएगा चेंज, ठीक है। तो यहां पे फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया तो आ गया ना चेंज, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। नहीं सर, यहां तक का फंडा पूरा दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका होगा। तो मैं चाहूंगा कि यार इसका एक बार तुम स्क्रीनशॉट लो ना यार, है ना। ये बेसिक आइडिया बताते भावनाओं में बह गया तो मैं तुमको पूरा वर्क एनर्जी थ्योरम सिखा करके आ गया, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आप लोगों ने लेक्चर मिस किया होगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट, कि एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लेना, इसके ही ऊपर या उसके ऊपर या उसके ऊपर मिल जाएगा आपको, लेकिन इस चैप्टर के अंदर मिल जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम, और वो देख लेना। वहां पर दो एक एग्जाम्पल वाले पन्ने मतलब क्वेश्चन सॉल्व करवा के रखे हैं, तो वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और वो लेक्चर देखना इसलिए भी जरूरी है बिकॉज मैंने कहा था कि वर्क एनर्जी थ्योरम कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो सिर्फ 11th में काम आता है, भाई इस पे भर भर के क्वेश्चन जो है आपको क्लास 12th में भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और वो भी ऐसा नहीं कि क्लास 12th के इसी एक चैप्टर में देखने को मिलेंगे कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखने को मिल रहा है, नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, मैग्नेट्स हो गया, उसके बाद EMI हो गया, वहां पर भी आपको ये वाले फंडे देखने को मिल जाते हैं। तो जस्ट कीप दैट इन माइंड कि अगर किसी भी सिस्टम पे कुछ वर्क करोगे तो वो सिस्टम की एनर्जी को चेंज करने में काम आता है, ठीक है, पक्का? यस सर, क्लियर है। तो मैं चाहूंगा जो इतनी खूबसूरत सी हैंडराइटिंग में मैंने यहां पे लिखा है, तुम भी जरा इसकी लाज रखते हुए इतनी ही खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिख लेना कॉपी में, ठीक है। अब अगर तुमने नहीं लिखा तो मैं खुद कितनी शर्म आएगी यार कि बताओ सर, बस हम बस देखते ही रहते हैं, है ना। तो ऐसा मत करना यार, चले, हो गया ना। अच्छा जी, तो वो तो आपको मैंने बताया था, लेकिन सर यहाँ पे जब काफी बच्चे तो क्या है कि यहीं पे एकदम उनका दिमाग डोल गया होगा कि अरे भाई यार ये आ गया फिर से इंटीग्रेशन। हाँ भाई, इंटीग्रेशन तो आएगा, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि तुम बना लो पीस,
है ना, तुम इंटीग्रेशन से पीस बना लो, तुम डिफरेंशिएशन से पीस बना लो, उसको आकर के उसको देखते हुए ना मुंह बिचकाना बंद कर दो, यार फिर से आगे इंटीग्रेशन, फिर से आगे डिफरेंस, वो तो आएगा भाई, वो तो आएगा है ना, जाएगा तो तू 11th क्लास से चले आएगा, क्लास 12 से तू चले आएगा, लेकिन क्या है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो आता ही रहेगा, तो भाई अपन को पीस बनाना पड़ेगा। अब यार इसके लिए देख फंडा क्या होता है, देख मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एक लेक्चर बना के रखा है क्लास 11th की प्लेलिस्ट में, है ना, बहुत ही शानदार धांसु लेक्चर था। तो आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कि आप जाकर अगर आपको लग रहा है, ठीक है ये आपके लिए ही है, अगर आपको लग रहा है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ना कहीं ऐसा कच्चा कच्चा सा है, तो भाई जाकर के वो वाला वीडियो देख लेना, एकदम पक्का पक्का सा हो जाएगा, ठीक है। और उस वीडियो को बनाया ही इस पर्सपेक्टिव से गया था, कौन सा वीडियो सर, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन फिजिक्स, ठीक है, उस वीडियो को बनाया ही इस पर्सपेक्टिव से गया था कि कोई बच्चा जैसे मान ले खासतौर से बायो वायो जो स्टूडेंट्स हैं उनको बड़ी दिक्कत आती है इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में, फिर उनकी क्या हवाइयां छूट जाती हैं, तो उससे बचाने के लिए मैंने ऐसा करके रखा हुआ था कि एक वीडियो बना दिया जिसमें डिफरेंशिएशन सिखा दिया, इंटीग्रेशन सिखा दिया और विथ रिस्पेक्ट टू फिजिक्स सिखा दिया, इस तरह सिखा दिया कि भैया फिजिक्स में कैसे काम आएगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर आप मैथ्स वाले सोच रहे कि सर हम तो पढ़ी लेंगे वैसे भी, लेकिन बेटा आप जरा एक चीज चेक करें, आपको 11th के कोर्स में भी जो डिफरेंशिएशन है मेरे ख्याल में वो हल्का सा लेटर ऑन स्टेजेस में आता है ना, और इंटीग्रेशन तो मेरे ख्याल में 11th के मैथ्स में तो है ही नहीं, इंटीग्रेशन से तो आपका वास्ता ही पड़ता है, अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथ्स में तो इंटीग्रेशन आपका वास्ता पड़ता है क्लास 12th में, और लेकिन 11th के तो भर भर के डेरिवेशन है भाई साहब इंटीग्रेशन पर बेस, इसलिए फिजिक्स में सिखाना लाजमी हो जाता है, ठीक। अब देखिए एक बात को बताता हूं मैं, यहां पे इंटीग्रेट करना है ना, और ये जो 1 और 3 लिखा है ये क्या है सर, ये तो लिमिट्स है, ये तो हम जानते हैं सर, ये तो क्या है लिमिट्स है, ठीक है। तो 1 हो गई लोअर लिमिट और 3 हो जाएगी तेरे पास में अपर लिमिट। मजेदार बात क्या है, देखो मैं बताता हूं, यहां पे जो 4 है ना दिस इज अ कांस्टेंट, हां कि ना, हां सर 4 जो है दिस इज अ कांस्टेंट, और ये जो dx है ना दिस इज द वेरिएबल, नॉट जस्ट वेरिएबल, इसको आप कह सकते हो वेरिएबल ऑपरेटर, dx ये बता रहा है कि कौन सी चीज वेरी करेगी, dx ये बता रहा है कि सर कौन सी चीज जो है वो वेरी करेगी, तो x जो है वो वेरी करेगा, तो बेटा 4 कैसा हो गया, सर 4 हो गया कांस्टेंट, ठीक है। अगर 4 कांस्टेंट हो गया है तो भाई इंटीग्रेशन की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है, ठीक है। अच्छा अगर आप डिफरेंशिएशन की बात करोगे ना कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में, बता रहा हूं जैसे मान लें कि d/dx लिखा है, तो पहले तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इस जिंदगी में वो सीखना ये है कि डी से डी नहीं काटना है, ठीक है। इसको कोई है, कोई है, कोई जो भी होगा भाई साहब वो ऐसे हाथ खड़े कर लेना कि हाँ सर हम ही है, और हाथ खड़ा करके सर झुका लेना ऐसे, ठीक है, कि हाँ सर ऐसा हम सोचते थे, क्योंकि भाई देख इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि सर झुका लेना कि तूने ऐसा क्यों सोचा, इसलिए बोल रहा हूं कि तूने अब तक इतना पढ़ने के बाद भी ये सोचा है। तो भाई डी से डी कटेगा, अब तो बोलोगे सर हमने पढ़ना तो अभी स्टार्ट किया, तो डी से डी कटता नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं डिफरेंशिएशन करना 4 का, तो भाई डिफरेंशिएशन का बेसिकली मतलब क्या होता है सर, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज में रेट ऑफ चेंज निकालना। अब अगर आप 4 से पूछेंगे तुम चेंज होती हो क्या, तो 4 चेंज होती नहीं है, 4 तो ठहरी कांस्टेंट, ये थोड़ी कि 4 कल 5 बनने वाली है, समझ गए तो मेरी बात। तो यहां पे क्या है, 4 जो है वो कांस्टेंट है। अब भाई कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज क्या, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज निकालना जी। तो अगर आपने डिफरेंशिएट किया है 4 को, मतलब आप रेट ऑफ चेंज निकालना चाह रहे हैं 4 में, भाई कांस्टेंट है, रेट ऑफ चेंज कुछ नहीं होता, कांस्टेंट थोड़ी चेंज होता है, तो कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज कितना हो जाएगा सर, 0 के बराबर, है ना। लेकिन इंटीग्रेशन की खूबसूरती क्या है, इंटीग्रेशन की खूबसूरती ये है कि जो कांस्टेंट होता है ना वो निपट के 0 नहीं होता है, जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। तो सर अब क्या बचेगा, ये खूबसूरती से बनाएंगे, आए हाय नहीं 4, और फिर ये क्या बन जाएगा, अरे गजब, तो 4 बाहर आ गया, और अंदर कौन फंसी रहेगी, dx अंदर फंसी रहेगी, ठीक है, dx इज द वेरिएबल ना, और इसकी लिमिट्स क्या है बेटा सर, इसकी लिमिट्स है अपने पास 1 से लेकर के 3 तक, तो लोअर लिमिट एज इट इज, अपर लिमिट एज इट इज, ठीक है। तो आप क्या इस बात को समझे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विल गिव यू आंसर एज 0, लेकिन कांस्टेंट का अगर इंटीग्रेशन है तो वहां पे आंसर 0 नहीं आता, वो कांस्टेंट खोपचे से बाहर आ जाता है, और फिर अंदर बचता है इंटीग्रेशन ऑफ dx जैसी चीज। क्या आपको ये वाली चीज समझ में आ गई, यस सर समझ में आ गई, ठीक है। अब आते हैं बेसिक आइडिया पे कि यार वर्क एनर्जी थ्योरम दैट वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विथ, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल फोर्स का मसला है तो वो क्या है। तो भाई जरा यहाँ पे जो शब्दावलियां यूज करी गई हैं जरा उन पे फोकस करना,
ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, इन प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ द फोर्सेस दैट वी एनकाउंटर इज अ वेरिएबल फोर्स ओनली। तो मैंने इस बारे में आपसे बात करी है पहले भी कि अपन जो जनरल डे टू डे लाइफ में हम जो फोर्सेस अप्लाई करते हैं, क्या सर वो कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, हम अप्लाई करते हैं वेरिएबल फोर्स। मैंने एग्जाम्पल भी दिया होगा कि जैसे मान लीजिए अगर दिवाली का समय आ गया है ना, तो दिवाली के समय अगर तुम्हारी छुट्टी चल रही है तो भाई तुम ये भी समझो कि घर में छुट्टी सिर्फ तुम्हारी चल रही है, लेकिन बाकी लोग ना अभी हाइपर एक्टिव मोड पे आ चुके हैं। दिवाली की सफाइयां होंगी है ना भाई, पंखे जो साफ लगते हैं उनको फिर से साफ कर दिया जाएगा, पर्दे जो हमको लगते हैं कि हाथ पोछने के काम आते हैं उस समय मालूम चलता है कि अरे नहीं भैया तुम ही धुल जाओगे कभी ना कभी। अगर तुमको, अगर तुमने भी फील करा होगा कभी ऐसा कि तुमने खाना खा के अगर पर्दे में हाथ धो लिया, हाथ पोछ लिया ऐसे करके, ठीक है, उसके बाद मम्मी की आंखों में नजर आता है कि भाई मम्मी तुम्हें धो देंगी पूरा, तो वहां पे क्या है कि अब क्या साफ सफाई पूरी हो रही होती है ना। अब तुम्हें एक काम दिया गया है कि भाई तू किसी काम का तो है नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक काम कर ले कि ये बक्सा जो है यहां पे इसको यहां से मूव करवा करके हॉल से अंदर वाले रूम में डाल देना, ठीक है, हॉल से मूव करवा करके अंदर वाले रूम में डाल देना, ठीक है। एक तो तुम्हारा मन नहीं करता काम करने का, ऊपर से काम तुमको थमा दिया गया और तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है बिकॉज तुम घर में तो पड़े हो, तो अब क्या करोगे तुम, अब क्या करोगे तुम, लगे इस बॉक्स को धक्का मारने के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, भारी बक्सा, भारी बक्सा। अब क्या है, अगर तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो तुम मुझे बता दो कि क्या तुम कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हो, भाई कमेंट सेक्शन में बता देना अपने बारे में कि दिवाली में क्या तुमने ऐसे कांस्टेंट फोर्सेस से सफाई करी है क्या। भाई मेरे को तो नहीं लगता, झूठ मत बोलना कमेंट सेक्शन में, ठीक। तो यहां पे क्या है, अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो क्या ये कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करेंगे? नहीं सर, पहले अगर मान ले गुस्से गुस्से में मुंह बना करके अगर हमने ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया, लेकिन उसके बाद तुम्हारी बॉडी की एक लिमिट है ना, तुमने ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया बट तुम्हारी बॉडी बोलती है कि अरे रुको पहले खाना वाना खा ले फिर कुछ करेंगे, ठीक है। अब तुम आए है ना, तो फिर कांस्टेंट फोर्स पहले वो ज्यादा था, फिर वो इवेंचुअली थक गया, कम हो गया, उसके बाद तुम्हें काम तो करना ही है, तुमने फिर से जोर लगा दिया, तो यहां पे फोर्स की वैल्यू वेरी हो रही है बार बार। तो जनरल लाइफ, डे टू डे लाइफ में आप जो फोर्सेस इनकाउंटर करते हैं ना, वो कांस्टेंट फोर्स नहीं होता है, वो होता है वेरिएबल फोर्स। कैसा होता है? वेरिएबल फोर्स। तो इन प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ द फोर्सेस दैट वी एनकाउंटर, एनकाउंटर में तुम चले मत जाना, ठीक है, एनकाउंटर मतलब जो हम देखते हैं, एनकाउंटर इज वेरिएबल फोर्स ओनली। कांस्टेंट फोर्सेस बड़े रेयर होते हैं, तुम शिद्दत से लगे हुए हो उतने ही फोर्स से लगे हुए हो, ऐसे फोर्सेस तो बड़े रेयर होते हैं, तो कांस्टेंट फोर्सेस आर वेरी रेयर। इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव इवैल्यूएटेड वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। इसके पहले के जो लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने वर्क डन निकाला था विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव इवैल्यूएटेड वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच फोर्स वॉज टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रल। अगर आप चेक करें इसके पहले के डेरिवेशंस, अगर आप चेक करें इसके पहले के डेरिवेशंस, तो मैं जरा आपको दिखा दूं एक बार, देखो ऑब्वियसली अगर आप यहां पे बात करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि dw इज इक्वल टू f इनटू ds की अगर आप बात करें, तो सिंस यहां पे फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, फोर्स इज बेसिकली ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो इसलिए क्या होता है कि dw का होता है इंटीग्रेशन, फोर्स इज कांस्टेंट, उसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देते हैं और फिर करते हैं ds का इंटीग्रेशन। तो फोर्स को इंटीग्रल के बाहर निकाल लिया गया है, वो सिर्फ इसलिए निकाला गया था क्योंकि फोर्स वॉज टेकन एज कांस्टेंट इन द प्रीवियस लेक्चर्स। हम ऐसा मानते थे कि कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर दिया है, लेकिन 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 डे टू डे लाइफ में कांस्टेंट फोर्सेस नहीं होते, या बहुत ही रेयर होते हैं, इक्के दुक्के मिल गए तो मिल गए, ठीक है। तो वैसी वाली बात है, यहां पे क्या कहते हैं, चिराग लेके ढूंढोगे, दिया लेके ढूंढोगे, मशाल लेके ढूंढोगे, तो भी कांस्टेंट फोर्स बड़ी मुश्किल से मिलता है, ठीक है। इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव इवैल्यूएटेड वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, इसलिए कांस्टेंट फोर्स को इंटीग्रल के बाहर निकाल लिया जाता था। बट इफ अ फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स अगर डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस चेंज हो रही है उसके साथ साथ फोर्स भी चेंज हो रहा है, तो फिर फोर्स इज बेसिकली अ वेरिएबल, ठीक है। देन दिस फोर्स कैन नॉट बी टेकन आउट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर ये फोर्स वेरिएबल है, अगर ये फोर्स वेरिएबल है तब उसको, देन द फोर्स कैन नॉट बी टेकन आउट, तब इस फोर्स को इंटीग्रेशन के बाहर हम नहीं निकाल सकते हैं, और प्रॉपर इंटीग्रेशन फिर उस फोर्स का करना पड़ेगा। क्या तुम समझे मेरी बात? अगर फोर्स जो है, अगर फोर्स जो है वो वेरिएबल है, तो आप उसको इंटीग्रेशन के बाहर नहीं निकाल सकते, फिर आपको करना पड़ेगा उसका इंटीग्रेशन प्रॉपरली, ठीक है। समझ गया इस पूरी बात को तुम? भाई जरा एक बार ये बेसिक आइडिया वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना ना यार, एक बार ये बेसिक आइडिया वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना ना। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, यस सर, क्लियर। चल
एज इज नोन ऑलरेडी दैट वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय अ वेरिएबल फोर्स एफ इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल पोजिशन इज गिवन बाय दिस. सर इसका पूरा हिंदी में कैसे अनुवाद किया जाएगा? तो अगर हमने किसी बॉडी पर फोर्स लगा दिया है एफ के बराबर और उस फोर्स की वजह से बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आ गया है, ठीक है, तो यस सर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट तो आना ही था, लेकिन मैंने बोला कि भाई डिस्प्लेसमेंट आया कैसे, जरा वो तो सुन ले दो मिनट, ठीक है. ये लिया अपन ने एक फिक्स्ड प्लेटफॉर्म, ठीक है सर, और मैंने माना कि भाई पूरी कहानी की शुरुआत जो है ना वो यहां पे हो रही है, इसको अपन कह देंगे x इक्वल टू जीरो पे कहानी की शुरुआत हो रही है, ठीक है. नाउ द बॉडी इज बेसिकली मूव्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. मान लो कि बॉडी इनिशियली यहां पे थी, ठीक है, और उसके बाद फिर इसको धक्का मुक्की की गई इसके साथ, तो उसको धक्का देकर के फिर यहां तक इसको पहुंचा दिया गया है. यस सर क्लियर तो लग रहा है, बढ़िया लग रहा है. इनिशियल से पहुंच गया फाइनल पोजीशन तक, ठीक है. अब देख क्या होता है ना कि भाई इनिशियल था तो आप अगर स्केल वाइज चेक करेंगे तो आपको पता है कि x इक्वल टू जीरो है, फिर 1 2 3 4 5 6 आगे बढ़ते जाएगा. तो भाई ये था अपने पास इनिशियल, इसको मैं बोल दूंगा x जो है यहाँ पे वो है x इनिशियल, और इस वाले पोजिशन पे जो x है इसको मैं बोल दूंगा x फाइनल. क्या आपको ये वाला फंडा समझ में आ गया? पक्का. तो हमने एक ऐसा फोर्स अप्लाई करा है जिस फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट करवा दिया है बॉडी में, ठीक है, और बॉडी पहले कहां पाई जाती थी x इनिशियल पे, अब कहां पाई जाती है x फाइनल पे, तो वेरिएबल फोर्स अप्लाइड, इसको अपन लिख देंगे कि यहां पर कैसा फोर्स अप्लाई करा है, वेरिएबल फोर्स इज अप्लाइड, इस बॉडी पर वेरिएबल फोर्स अप्लाई कर दिया गया है इस तरफ, तब जाकर के बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल पोजीशन, इट इज एज सिंपल एज दैट, और तब जाकर के फॉर्मूला बनेगा कुछ इस तरह. देखो ना यार वर्क का फॉर्मूला वैसे भी क्या होता है, सो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो भाई फोर्स है लेकिन फोर्स इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज होगी तो फिर क्या है कि फोर्स भी, देखिए फोर्स तो वैसे ही वेरिएबल है तो फोर्स चेंज तो हो ही रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया तो भी फोर्स चेंज हो गया, तो मतलब फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो सक्सेस इज अ फंक्शन ऑफ हार्ड वर्क, मेरे ख्याल से क्या है कि काफी लोग क्या है मोटिवेशनल वीडियोस में बहुत रहते हैं, ये तो मेरे को लगता है कि एक तरह का क्या बताऊं तेरे को, एक तरह का अलग नशा होता है. काफी लोग ऐसा होता है काम नहीं करेंगे लेकिन पूरा एकदम रूम में लाइट डिम करके अच्छे से आराम से ईयरफोन लगा करके बैठ के मोटिवेशनल वीडियोस बहुत देखते हैं, ठीक है. तो भाई अगर आप एक बात समझें, अगर सिर्फ आप पोटेंशियल डेवलप करे जा रहे हैं, बस पोटेंशियल डेवलप करे जा रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो वो वीडियोस देखने से कुछ नहीं हुआ, आपने उनके व्यूज बढ़ा दिए, बस दैट्स इट, ठीक है, वॉच टाइम बढ़ा दिया, दैट्स इट, लेकिन तुम्हारा कुछ फायदा नहीं हो रहा है. तो भाई पहली बात तो यार मैं ना वो जो होता है ना ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस उनमें इतना ज्यादा मेरे को उतना है नहीं इंटरेस्ट, बिकॉज द थिंग इज दिस कि मेरे को पता है और तुम लोग को भी अब पता चल गया होगा कि भाई देखो मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं चाहिए मोटिवेशन, भाई कभी कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइफ में अपने को मोटिवेशन चाहिए पड़ता है, ठीक है. कभी कभी ऐसा होता है कि खुद से अंदर से नहीं आ रही होती हैं चीजें, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट मोटिवेशन जो है ना वो अंदर से ही आना चाहिए. नहीं आ रहा तो ट्राई करो और ट्राई करो और ट्राई करो, जील पैदा करो उस चीज को लेकर के, लेकिन मोटिवेशन वीडियोस के पीछे मत भागो, किसी और से मोटिवेशन लेने इंस्पायर हो जाओ बट किसी और के पीछे मत भागो मोटिवेशन लेने के लिए कि सर एक बार मोटिवेट कर दीजिए. अरे भाई इससे ज्यादा बचकानी बात मैंने सुनी नहीं है, ठीक है, कि सर मुझे मोटिवेट कर दीजिए, ऐसा भी होता है, ऐसा भी लोग करते हैं. मोटिवेशन की जरूरत अगर आपको पड़ रही है ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनर मोटिवेशन जा रहा है. अब ये थोड़ी सी कड़वी बात है लेकिन है बात बिल्कुल सही, ठीक है. तो आना चाहिए अंदर से, अगर आप ये बाहर ढूंढोगे ना तो बाहर मोटिवेशन नहीं मिलता. मिलेगा आप आधे घंटे के लिए मोटिवेटेड हो, ज्यादा हो गया तो, अगर आप कोई बहुत बड़े सेमिनार में चले गए तो आप पूरे 3-4 दिन के लिए मोटिवेटेड हो, लेकिन यार मोटिवेशन सिर्फ लिया आपने उससे कुछ काम अगर नहीं हुआ तो फिर वो अल्टीमेटली मिट्टी पलीत हो गई वो चीज, ठीक है, समझे आप इस बात को. तो यहां मैंने क्या बताया, सक्सेस इज अ फंक्शन ऑफ हार्डवर्क, मतलब सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्डवर्क, सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्डवर्क, वैसा आया समझ में? तो वैसे अगर फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इसका मतलब फोर्स डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. नाउ इफ अ क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अनदर क्वांटिटी, भाई सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क तो सक्सेस इज अ फंक्शन ऑफ हार्ड वर्क. अगर फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है, फोर्स डिपेंड्स ऑन एक्स, तो इसका मतलब फोर्स अगर डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर तो फोर्स हो जाएगा तेरे पास में क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल. फोर्स तेरे पास में क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल. चमका,
फोर्स क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स तेरे पास में क्या है सर, एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स तेरे पास में क्या है सर, एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज एज सिंपल एज दैट। बताओ भाई यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हुआ दिमाग में, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हुआ दिमाग में, 3, 2, 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन। ठीक है, तो यहां पे आपके सामने वर्क को एक्सप्रेस कर दिया गया था एज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जहां पे फोर्स खुद ही वेरिएबल था। ठीक है, अब अपन इसका ना एक बहुत ही शानदार सा, बहुत ही इत्मीनान से एक डेरिवेशन करने वाले हैं, जहां पे फोर्स इज बेसिकली टेकन एज अ वेरिएबल, ऑब्वियसली वेरिएबल। तो उसको करने के लिए ना कुछ एक छोटी मोटी प्रीरिक्विजिट्स है, मैं जानता हूं कि आपको पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी आपके सामने लिख देता हूं। ठीक है, ताकि क्या है कि जब मैं डेरिवेशन स्टार्ट करूं तो फिर आप ऐसे डीमोटिवेट ना हो जाओ, और डीमोटिवेट होकर के फिर किसी मोटिवेशनल वीडियो पे 1 घंटे 2 घंटे ना लगा दो, समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। उससे बेटर क्या है, ज्यादा का मोटिवेशनल वीडियो देखने का तो दिमाग चल रहा है, उसको चस्का होता है भाई। देखा है मैंने बच्चों को, लोग लगे रहते हैं मोटिवेशनल वीडियो देखने में। ठीक है, उनका मैं फीड का भी चेक करूंगा ना, तो उनके फीड में दिखती है ऐसी वीडियोस। ठीक है, बट द थिंग इज दिस कि उन्होंने काम नहीं करा, मोटिवेशन लिया बट काम नहीं करा, किस काम का, आया समझ में, आया समझ। इससे बेटर 2 घंटे सो लेता, दिमाग फ्रेश हो जाता। इतना तो तुम्हें पता है ना कि काम करोगे तो ही कुछ होगा तुम्हारा, इतना सबको पता है। जब पता है तो बस काम करना शुरू करो, ये क्या कि ये करेंगे तो वो करेंगे, अरे भाई साहब इतनी बकवास चीजें हो जाती है ना। चले, लाइफ क्लियर रखो अपनी यार, फंडे क्लियर रखो। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, वेलोसिटी होता है, एक बात जरा ये ध्यान रखना बेटा। और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, एक्सेलरेशन होता है, एक बात बेटा जरा ये वाली ध्यान रखना। ठीक है, बिकॉज ये अभी काम पड़ेगा, और मैंने इसी चीज के लिए कहा था। देखो अभी तुम याद कर लो कि हाँ सर ने कहा कि इसको याद करना, मतलब याद कर लेना, लेकिन इसको मैं अभी रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। द थिंग इज दिस कि मैं इसको पहले करवा चुका हूँ, और अगर तुम्हें वो वीडियो ढूंढना है तो मैंने कहा था कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का एक वीडियो होगा, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन फिजिक्स नाम से शायद एक वीडियो होगा, इसी प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, वहां पे सब चीजें करवा के रखी हैं। जो ये क्या है कि अब वो थ्रू आउट द ईयर ही काम आने वाली है। ठीक है, और थ्रू आउट द 2 ईयर्स काम आने वाली है। तो एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आपको कहानी में अपन आगे लेकर के चलने वाले हैं। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। तो इतना पूरा फंडा आपने को पूरा क्लियर हो चुका था, अब जरा आगे बढ़ा जाए कहानी में, क्या बोलते हो। चलिए सर, डेरिवेशन फॉर वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स, डेरिवेशन फॉर वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। तो भाई कहानी को शुरुआत देने वाले हैं, और कैसे करेंगे शुरुआत सर, एब्सोल्युटली वर्क से ही करी जाएगी शुरुआत। तो हम जानते हैं कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है सर, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, अच्छा, बेसिकली फोर्स इज हियर बाय अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जरा ध्यान देते हुए चलते हैं। तो अगर मैं फोर्स को खोलना चाहूं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैं इसको लिख दूंगा मास, और एक्सेलरेशन कहां पर होगा, एक्सेलरेशन अबाउट द एक्स एक्सिस। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन अबाउट द एक्स एक्सिस, इट्स एज सिंपल एज दैट। डीएक्स को बिल्कुल भी मत छेड़ना, यस सर, इतना पूरा फंडा क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक काम करेंगे ना, इसको बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये जो बनकर के आई है ना, इसको बोलेंगे अपन क्या सर, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, पक्का। चलो अब एक काम करना शुरू करेंगे, इसमें अपन एक्सेलरेशन को जरा अगर देखा जाए अच्छे से, तो एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन वैसे भी कैसे आता है, मैंने जस्ट बताया था कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी हो जाएगा, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अबाउट चाहिए तो एक्स एक्सिस के अबाउट की वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बोलो हाँ कि ना। ठीक है भाई, इतना तो पूरा फंडा क्लियर है, लेकिन 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 मजेदार चीज जरा सुनना, जिस इक्वेशन में आप इवेंचुअली चीजों को पुट करने वाले हैं, उस इक्वेशन में dx नाम की वस्तु आ रही है, क्या आ रही है, dx नाम की वस्तु आ रही है, और यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। तो मैं काम करूंगा, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दूंगा और डिवाइड कर दूंगा dx से, ऑन राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड डिवाइड कर दूंगा, किससे सर, बाय dx, dx से मल्टीप्लाई कर दूंगा और डिवाइड कर दूंगा, इट्स एज सिंपल एज दैट, यस सर। चले, जब ऐसा अपन करेंगे तो इवेंचुअली मेरे पास कहानी कैसे बन करके आएगी सर, यहां पे ना ऐसा हो जाएगा,
therefore acceleration about the x-axis is velocity का differentiation तो था, ठीक है? उसके बाद क्या है कि dx का करा है multiplication और dx में करा है division, ये वाला फंडा भी पूरा हो चुका है, clear? तो acceleration about the x-axis is velocity का differentiation, यहाँ पे काम करो, dx को यहाँ सरकारो, ठीक है? dx को यहाँ सरका लो और dt को वहाँ सरका दो, तो ये हो जाएगा dx by dt. कोई खफा है क्या इस चीज से भाई? कोई खफा है इस चीज से? dvxm इसका मतलब क्या है कि velocity about the x-axis का differential upon dx कर दिया और dt को वहां सरका दिया dx के नीचे, तो dx by dt. तो acceleration about the x-axis is equals to, ये अपने पास आ जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है? अब जरा एक बात पे ध्यान देना, ये dx by dt का मतलब क्या होता है सर? ये velocity होता है, x यहाँ पे क्या है? displacement है, तो displacement का differentiation time के respect में is velocity by कौन से axis की velocity, ठीक है? कौन से axis की velocity सर? x axis के about की velocity. यहाँ तक का फंडा पूरा clear है सर? यहाँ तक का फंडा पूरा clear है. अब एक काम करेंगे, इसी को अपन put कर देंगे into कौन सी equation, इसको अपन put करेंगे into first equation. लिख दूं मैं इस चीज को बेटा? यस सर, लिख देते हैं कि put above value, कौन सी value है? acceleration about the x-axis, ठीक है? इसकी value को put कर दीजिए into equation number one में, शानदार काम हो जाएगा, ठीक है? जैसे अपन put करेंगे इसको first equation के अंदर, तो कहानी में क्या हो जाएगा बेटा? ध्यान देना first equation पे, तो dw is equals to, यहाँ पे क्या था? m था, ax क्या आ चुका है तुम्हारे पास? ये आ चुका है सर dy dx vx, ठीक है? और उसके बाद मतलब ये dvx अपॉन dx और यहाँ पे क्या आ जाएगा? vx आ जाएगा और उसके बाद बगल में यहाँ पे क्या आएगा? dx आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे dx से dx जाएगा कट, तो dw is equals to m velocity about the x-axis into ये आ जाएगा dvx, ठीक है? v सबस्क्रिप्ट x है, इसको भूलना मत. dx से dx जाएगा निपट, अपने पास कहा नहीं बचेगा ऐसा कुछ. अब एक काम करो, अब करो इसको इंटीग्रेट, ठीक है? अब कर दो इसको इंटीग्रेट बोथ साइड्स. तो जैसे अपन करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो यहां पे क्या हो जाएगा? m आ जाएगा बाहर. एब्सोल्यूटली vx का इंटीग्रेशन है, dvx के रिस्पेक्ट में ही है, ठीक है? अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे लोअर लिमिट क्या होगा? यहां पे अपन लोअर लिमिट ले लेते हैं क्या वेलोसिटी का ना, तो x की वेलोसिटी इनिशियल और ये ले लेंगे x की वेलोसिटी फाइनल. आया समझ? इसको थोड़ा सा प्यार से लिखना पड़ेगा यार, थोड़ा सा प्यार से, ठीक है? ये dw, यहां पे m को रखा बाहर, इंटीग्रेशन चलने वाला है vx का और dvx के रिस्पेक्ट में, ठीक है? अगर x का डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन में होता है, तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाता है, तो मतलब इस चीज का पूरा स्क्वायर तो होने वाला है, ठीक है? लेकिन क्या है ये? इनिशियल से लेकर के फाइनल तक, ठीक है? और यहां पे लोअर लिमिट 0 से w तक, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? w हो जाएगा. यहां कितना बच जाएगा? m. फिर अपन क्या करेंगे? इसको vx का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? उसमें भी क्या हो जाएगा फिर? ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर अपॉन 2 तो आएगा ही आएगा. तो वर्क इज इक्वल्स टू इवेंचुअली कितना हो जाएगा? m v फाइनल का स्क्वायर बाय 2 माइनस m v इनिशियल का स्क्वायर अपॉन 2, और इसे ही कहा जाता है चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी. हेंस यहां पे आ चुका है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, पूरा बकायदा प्रूव होता हुआ. जल्दी इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है? ये वाला फंडा पूरा समझ में आ रहा है? 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, यस सर, ठीक है? डेरिवेशन हल्का सा लंबा हो जाता है अगर फोर्स वेरिएबल होता है तो, बाकी इवेंचुअली जो रिजल्ट आने वाला है वो सेम ही आने वाला है कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी. इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक? नाउ रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी, भाई कैसे निकाला होगा? जो पहला स्टेटमेंट आपको नजर आ रहा है, ये जो चीज यहां पर लिखी हुई है, इसी को तो बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम. ये जो चीज यहां पे लिखी हुई है, वर्क इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, इसी को तो कहा जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक? तो यहां पे अपने पास आ चुका है वर्क अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम. इसको लिख दूं, दिस इज ऑल इन अकॉर्डेंस, दिस इज ऑल इन अकॉर्डेंस विथ वर्क एनर्जी थ्योरम, दिस इज ऑल इन अकॉर्डेंस विथ वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार ऐसा कुछ होता है, ठीक है? अब एक बात जरा सुनना, वर्क को अपन लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी. तो जब मुझे फोर्स निकालना होगा तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर के सबके नीचे क्या आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा. और बस ये आ गया अपने पास में रिलेशन, ठीक है, जिसकी तुम्हें दरकार थी. जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है? ये वाला फंडा आप लोग को समझ में आ गया है?
3, 2, 1, रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन। यस सर, एक तरफा, ठीक है, पक्का पक्का, बस इतना ही अपने पास। तो ये अपने पास है पूरा का पूरा वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल फोर्स, ठीक है। तो ये चीज आपको पूरी समझा दी गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा लेक्चर शानदार तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगा कि इस वीडियो को देख के आपकी हेल्प हुई है, अब वेरिएबल फोर्स जो है ना वो दिमाग में आपको परेशान नहीं करेगा, क्लियर रहेगा आपके दिमाग में, तो बस इस वीडियो ने आपकी हेल्प कर दी। तो इसको जरा लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने पूरे मित्र मंडल में, और सबको बता दो कि मैग्नेट ब्रेन के चैनल पे प्लेलिस्ट में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आपको फिजिक्स में और भी जल्द से जल्द मिलने वाली है, ठीक है। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो वो आप कमेंट सेक्शन को यूज करके सारी बातें मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि सर यहां पर ना एक एग्जाम्पल और देना चाहिए था, या ऐसा कुछ भी अगर क्रिएटिव आपका कंस्ट्रक्टिव सजेशन है, तो उस पर बिल्कुल काम किया जाएगा, दैट्स अ गारंटीड थिंग, ठीक है। इसी के साथ खत्म करते हैं इस पूरी क्लास को, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, उसके बाद सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।